Making a start with some news that's breaking this minute, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has broken his silence on the PMC scam. Speaking exclusively to the Times Network, Maharashtra Chief Minister has assured that money will be returned to the account holders of the PMC Bank by auctioning property of the accused. He also said that no one will be spared, and if needed, he would also reach out to the Finance Minister and Prime Minister after the code of conduct is lifted. मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ ईओडब्ल्यू के अख्तियार में जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं उनको पकड़ेंगे भी उनकी संपत्ति भी जब्त करेंगे और उनको सजा भी देंगे और इसलिए मैंने ये तय किया है कि चूंकि मेरा चुनाव चल रहा है कोड ऑफ कंडक्ट भी चल रहा है 21 तारीख के बाद मैं स्वयं आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से मिलने वाला हूँ आवश्यकता पड़ेगी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने वाला हूँ सिर्फ इसमें प्रश्न इतना ही आता है कि इसकी एक प्रोसेस है जी। उस प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा उसको हम जल्दी शुरू करेंगे उस प्रोसेस को कंप्लीट करके आरबीआई के माध्यम से इसकी परमिशन लेंगे जी। और निश्चित रूप से क्योंकि इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अटैच की और बची हुई भी हम ढूंढ रहे और इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज भी ढूंढ कर निकालेंगे और ये सारी प्रॉपर्टीज बेचकर हम लोगों का पैसा निश्चित रूप से वापस करेंगे।